जय श्री कृष्णा। आज हम ये बनाएंगे मसाला डोसा। बिल्कुल ही आसान तरीके से ये इंस्टेंट मसाला डोसा है। इसके लिए हमें दाल भिगो के, चावल भिगो के पीसने की जरूरत नहीं है। ये हमने सूजी से ही बनाया है और बिल्कुल ही बड़ा अच्छा, जैसे कि वो डोसा बनता है चावल वाला, वैसा ही अच्छा हमारा ये डोसा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, ये कितना हमारा एकदम से खस्ता सा डोसा बन के तैयार हो गया है। इस सांभर के साथ और इस नारियल की चटनी के साथ ये डोसा बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये डोसा हमने कैसे बनाया है और किन चीजों की हमें जरूरत है, आइए शुरू करते हैं डोसा बनाना। सबसे पहले एक कप सूजी मिक्सी के जार में डालेंगे, एक टेबलस्पून बेसन लेंगे और एक टेबलस्पून सिंपल गेहूं का आटा लेंगे। ये बेसन और गेहूं का आटा डालने से हमारा डोसा जो है अच्छे से जुड़ा रहेगा, टूटेगा नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। ये आटा सूजी का हमारा बन गया है, बिल्कुल मैदे जैसा बारीक नहीं करना है। बस हमें उसमें वो जो मोटे मोटे क्रिस्टल होते हैं वो खत्म हो गए हैं हमारे। इस मिक्सचर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे और आधा ही चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे और एक कप दही डाल के हम इस आटे को दही के साथ अच्छे से मिला लेंगे। बस इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। ये दही में ये हमारा बैटर बन गया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। गैस पे एक पैन रख लिया है और उसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून ऑयल। जितनी देर हमारा डोसे का बैटर तैयार होगा इतनी देर में हम उसके अंदर भरने के लिए ये आलू का मसाला बना लेंगे। तेल गर्म हो गया, सरसों डाल देंगे, सरसों चटकने लगी है, अदरक डाल देंगे, करी पत्ता डाल देंगे, 5-6 करी पत्ता है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 1 हरी मिर्च कटी हुई है छोटी सी, थोड़ा सा इनको हिला लेंगे, 1 टेबलस्पून चना दाल डाल देंगे। इससे ये डोसे के अंदर जो हम स्टफिंग बनाएंगे ये बड़ी टेस्टी सी हो जाती है। आधा चम्मच छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे तो इसमें रंग अच्छा आ जाएगा। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक, आलू की जो हम स्टफिंग बना रहे हैं। और इसमें हम अपने डाल देंगे ये प्याज, ये मैंने एक प्याज भी काट के लिए रखा है, मीडियम साइज का प्याज था, ऐसे लंबा लंबा काट के लिए रखा है। 1 मिनट इसको अब हम भून लेंगे, बस ज़्यादा देर हमें इसको नहीं भूनना है, प्याज बस थोड़े खड़े खड़े से ही रहेंगे। ये मैंने आलू मैश करके ले रखे हैं, 3 आलू मीडियम साइज के, इनको हम अच्छे से सबको मिला लेंगे और 1-2 मिनट इनको भी हम ऐसे हिला के भून लेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्टफिंग कितनी अच्छी तैयार हो गई है ना, जैसे कि हम बाजार में डोसा खाते हैं तो उन हलवाइयों की होती है, ये देखिए बिल्कुल वैसी ही हमारी अच्छी सी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। बस इन आलुओं को हमें 1 से 2 मिनट के बीच में ही भूनना है मीडियम गैस पे। अब गैस को तो हम बंद कर देंगे और ढक के इस मसाले को छोड़ देंगे, अपना डोसे वाला बैटर तैयार करते हैं। ये दही का सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया है सूजी के अंदर और अब हम अपना, जैसे कि हमें डोसे का घोल चाहिए, पानी मिला के इसके अंदर और वैसा घोल बनाएंगे। ये हमारे घोल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी हम इसको थोड़ा सा और ऐसे फेंटेंगे, जब तक हम इसको अच्छे से फेंटेंगे नहीं तो ये हमारा डोसा अच्छा नहीं बनेगा, खस्ता कड़क नहीं बनेगा। तो इसको हमें अभी चलाना है, ऐसे 5 मिनट तक हम इसको ऐसे चला के फ्लफी सा कर लेंगे। 2 चुटकी हम
मीठा सोडा डाल देंगे। गैस पे एक पैन रखेंगे, थोड़ा सा इस पे तेल डाल के हम चारों तरफ फैला देंगे। पैन को बिल्कुल फुल गर्म होने देंगे। ये देखिए पैन गर्म हो गया है, तो अब हम इसको पानी डाल के और इसको ऊपर की जो इसकी लेयर है तवे की, हम इसको ठंडा कर लेंगे और ये पानी अब हम निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर अपना ये बैटर डालेंगे और इसको फैला देंगे। ये देखिए कितने आराम से हमारा ये डोसे का बैटर अपनी शेप ले रहा है, पतला सा हमारा डोसा फैलता जा रहा है। गैस को हमें तेज पे ही रखना है, स्लो पे नहीं करना है ज्यादा गैस को हमें। ये डोसा ऊपर से सूखने लग गया है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा चारों तरफ तेल डाल देंगे ताकि इसके सिकने में हमें आसानी हो जाए, और इसको तवे को हिला हिला के हम सारा तेल चारों तरफ कर देंगे। अगर हमारी गैस पे सेक सब तरफ एक जैसा नहीं लग रहा है, फुल गैस पे हम अपने तवे को थोड़ा सा घुमा घुमा करके इस डोसे को अच्छे से सेक लेंगे। ये डोसा हमारा सिक गया है, और अब हम इस पे हमने जो ये आलू का मसाला बना रखा है सारा, ये मसाला इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। और ये देखिए ये हमारा डोसा कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल खस्ता करारा डोसा। इसी तरह से हम अपने सारे डोसे बना लेंगे जितने की हमें जरूरत है, गर्मा गर्म जरूरत के हिसाब से हम अपने सारे डोसे बना के तैयार कर लेंगे। ये लीजिए ये हमारा बाजार जैसा बिल्कुल खस्ता गर्मा गर्म डोसा बन के तैयार है, बिल्कुल खस्ता बना है। ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा डोसा बन के तैयार हो गया है, और इस डोसे को हमने नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा है। तो आप भी ये इंस्टेंट डोसा बनाइए और अपने बच्चों को और सबको खिलाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।